हेलो फ्रेंड्स, अन्नपूर्णा रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आंवला कैंडी। ये देखिए, बिल्कुल ऐसी आंवला कैंडी बनाने वाले हम। ये बिल्कुल घर पे हम आंवला कैंडी बनाते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसी बनती है। और आप घर पे ज़रूर ट्राई करके देखिए, मैं हमेशा घर पे बनाती हूँ, बहुत ही अच्छी बनती है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसी आंवला कैंडी बनाएंगे हम। इसके लिए हमने आधा लीटर पानी रख दिया गैस पर, और गैस पर हमने पानी रख दिया है। और ये हमने आधा किलो आंवला लिया है। ये देखिए, ये हमने आधा किलो आंवला लिया है। हमने इनको अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। अभी आंवले का इतना सीज़न नहीं है, तो मुझे इतने अच्छे आंवले तो नहीं मिले हैं। फिर भी जैसे भी थे, मैंने अच्छे से निकाल लिए उसमें से। पानी को हम ढक्कन लगा के उबलने देंगे। पानी उबलने के बाद ही हमें इसमें आंवले डालने हैं। ये देखिए, ये हमारा पानी उबल चुका है। अब हम डाल देंगे आंवले इसमें। हमें पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, हमने आधा लीटर पानी लिया आधा किलो आंवले में। अभी हम इस पे ढक्कन लगा के इसको 2-3 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर पकाएंगे। उसके बाद हम गैस स्लो कर देंगे। ये देखिए, एक बार हम चेक कर लिए हमने आंवले, आंवले हमारे अच्छे से उबल रहे हैं। अभी हमने गैस का फ्लेम कम कर दिया है। अब हम कम फ्लेम में 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। टोटल हमें 7 मिनट तक, 6-7 मिनट के लिए पकाना होता है आंवला। ये देखिए, अभी मैं चेक करती हूँ कि हमारे आंवले पक गए कि नहीं। ये मैं चाकू की नाइफ से देख रही हूँ। ये देखिए, ये हमारे आंवले अच्छे से पक चुके हैं। गैस को हमने बंद कर दिया है। अब हम एक छलनी में निकाल देंगे आंवलों को। ये देखिए, हमने आंवले को छलनी में निकाल दिया है। वो नीचे पतीले में जो पानी था आंवले का, वो निकल आया है। मैं ये पानी भी फेंकूंगी नहीं, इन्हें मैं बाल धोने में काम ले लेती हूँ। जब बाल धोते तो मैं उसमें यूज़ करती हूँ ये, तो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है ये पानी। इसको पानी को मैं साइड में रखती हूँ ठंडा होने, और ये हमारे आंवले भी ठंडे हो जाएंगे। पानी को आप ऐसे ही बोतल में भर के चाहे फ्रिज में रख दो, चाहे ऐसे ही बाहर रख दो, ये काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होता है। और जब भी आप बाल वॉश करते हैं तब आप इसी से धोएं, उसके बाद आप शैम्पू कर लें, बहुत ही अच्छे आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे, सॉफ्ट और शाइन मारने लगते हैं आपके बाल, बहुत ही बहुत अच्छे हो जाते हैं इससे। इसलिए मैं पानी फेंकती नहीं हूँ। और देखिए, हमारे आंवले एकदम अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए, अगर ये आंवले हम अगर फुल फ्लेम पे पकाते तो इसके ये जो ऊपर से छिलका निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, ऐसे ये छिलके अलग हो जाते हैं, तो हमारे आंवलों का पूरी शेप ख़राब हो जाती है। इसलिए आपको मीडियम फ्लेम पे पकाना है आंवले को। अभी हम सारी एक एक कैंडी अलग अलग कर देंगे आंवले की। हमने आधे घंटे के लिए पंखे के नीचे रख दिया था आंवले को ठंडा होने के लिए। ये देखिए, ये मैंने सारे आंवले की कैंडी अलग अलग कर दी निकाल कर। ये देखिए, अब इसमें मैं थोड़ा सा काला नमक डालूंगी। पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए, मैंने अच्छे से काला नमक डला दिया इसमें, और अच्छे से मिक्स भी कर लिया अपनी कैंडी को। ये देखिए, हमने थोड़ा थोड़ा करके पूरे पे अच्छे से लगा दिया नमक को। अब हम डालेंगे इस पे चीनी। हमने आधा किलो आंवले में आधा किलो चीनी ली है। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी नया वीडियो डालूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचा सकूं। ये हमने आधा किलो चीनी इसके ऊपर डाल दी है। अभी हम इसे ढक्कन लगाकर 3-4 दिन के लिए ऐसे ही रखेंगे। अभी देखिए, 4 दिन हो चुके हैं हमारे आंवले कैंडी को हमने चीनी में डाल के रखा था। ये कितनी अच्छी एकदम चीनी हुई चाशनी जैसी हो गई है।
और आंवले की कैंडी भी बहुत ही अच्छे से अंदर तक इसके चीनी की चाशनी चले गई है, अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया चीनी को। तो अब हम इसे निकाल देंगे एक छलनी में। ये देखिए चाशनी, देखिए इतनी गाढ़ी एकदम जैसे हमने गैस पे उबाल के बनाई होती है वैसी बनी है। और जो ये पानी निकला है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम बोतल में भर के फ्रिज में रख देंगे। और गर्मियों में अगर आप नींबू पानी बनाते हो उसमें भी थोड़ा सा 2-3 ढक्कन डाल लो। और वैसे भी अगर आप अगर कभी पीने का मन करे तो 1 गिलास ठंडा पानी लेके उसमें 2-3 ढक्कन डाल के थोड़ी चीनी डाल के पिए तो ये आंवले के जूस के जैसा बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम इसको फ्रिज में रख देंगे, ये हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं पीने में। तो जब भी आपका कभी आंवले का जूस पीने का मन करे तो आप ये पी सकते हैं उसमें डाल के पानी में, ठंडे पानी में। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बिल्कुल आंवले के जूस जैसे ही लगता है। इसमें आंवले के पूरे गुण, जितने भी गुण होते हैं सब आए हैं इसमें। तो इसे हम अभी साइड में रख देंगे। अभी अपने आंवले की कैंडी जो हमें इसे सुखाना है, तो हम इसकी चाशनी पूरी निकल जाए थोड़ी देर के लिए ऐसे रखेंगे। हमारी चाशनी पूरी निकल चुकी है, अभी हम इसे थाली में थोड़ी देर फैला देंगे। अभी इसके ऊपर मैं लगाऊंगी काला नमक और काली मिर्च का पाउडर, दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे हम। ये काला नमक और काली मिर्च का पाउडर बना के आप लगाएं तो आंवले की कैंडी बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। ये देखिए मैं इसीलिए काला नमक लगाती हूँ क्योंकि कभी अपना उपवास हो या मतलब व्रत हो तो आप व्रत में भी ये काला नमक खा सकते हो, इसलिए मैं ये आंवले की कैंडी के ऊपर काला नमक लगा रही हूँ। आपको अगर काला नमक पसंद नहीं हो तो आप जो रेगुलर खाते हो कोई भी नमक तो वो ही डाल सकते हो। इस पे मैं अच्छे से नमक लगा दूंगी, नमक और काली मिर्च का जो पाउडर है दोनों। ये देखिए अभी हम इसे सुखा देंगे धूप में। मैंने 3 दिन तक धूप में सुखाया था आंवले की कैंडी को। ये देखिए बहुत ही अच्छे से सूख चुकी है, हमें एकदम कड़क नहीं करना है इसको सुखाकर, हल्का सॉफ्ट रखना है अंदर से। तो देखिए ये आप देखिए इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा आया एकदम। ये मैं आपको तोड़ के दिखा, ये देखिए ज़्यादा सख्त नहीं हुई हमारी आंवले की कैंडी, हमें ऐसी ही चाहिए आंवले की कैंडी। तो जैसी हमें चाहिए थी हमने वैसे ही हमारी आंवले की कैंडी बनकर तैयार हुई है। अभी हम थोड़ा थोड़ा ऊपर जो पीसी हुई चीनी आती है वो लगा देंगे ताकि हमारे आंवले की कैंडी आपस में चिपके नहीं। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, डस्ट कर देंगे आंवले की कैंडी के ऊपर चीनी। आपको अगर नहीं पसंद है ऊपर सूखी चीनी लगाना तो आप नहीं लगाएं, ऐसे ही रख दें। अभी ये जो प्लास्टिक का डब्बा है मेरे पास, ये टाइट कंटेनर है, तो इसमें डाल रही हूँ मैं। आप भी ऐसे ही कोई भी डब्बे में डालें जिसमें हवा ना जाए बिल्कुल भी, तो आप ऐसे पैक करके रख सकते हो। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी आंवले की कैंडी, और आप इसको साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होती है लंबे समय तक। इसी तरह से आपको पैक करके रखना होता है। जय माता दी।